यही वो कंपनी है जिसके बारे में बोल रहा था मैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये कंपनी पहले दुबई के सबसे मेन एरिया में थी, एकदम मेन सिटी के अंदर। तो इतनी बाइक जब आती थी ना तो रोड पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, समझे। तो अभी यहाँ बना दी ऑफिस एकदम साइड, ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इनकी हायरिंग जो है ना वो हर वक्त नहीं होती, वो बीच बीच में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। इससे पहले 1.5 साल पहले किया था, अभी फिर चालू किया है। तो देख लो, अगर इसमें करने का मूड है तो फ़ौरन निकलो, वरना फिर बाद में कहोगे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है सर। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यही यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ठीक है। थोड़ा साइड होता तब बात करता हूँ, क्योंकि थोड़ा रश है। तो एक मिनट, डिलीवरी वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है मैंने बताया था, ठीक है ना, वो यही है, ठीक। और दिन भर ये रश लगा रहता है। पहले तो इनका बाहर था, लेकिन मेन सिटी में था ऑफिस, लेकिन दिन भर रश लगा रहता है ना, तो जिसकी वजह से अभी साइड कर दिया काफ़ी दूर, ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कहना ये था कि देखो, बाइक डिलीवरी वाले में इससे बड़ी कंपनी कोई है नहीं, और हायरिंग चल रही है, करना है तो कर लो, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनकी हायरिंग जल्दी होती नहीं, और जब होती है तो इकट्ठा ये हायरिंग करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर एक ही साथ सबका वीज़ा, फिर एक साथ सबका ड्राइविंग लाइसेंस, फिर बाइक वगैरह सब कुछ करके फाइनल करके लोग हटा देते हैं। तो फिलहाल उसी काम से मैं भी आया था मुलाकात करने के लिए, मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख लें, अगर करना है तो इससे अच्छा मौका नहीं है। और इससे अच्छी कंपनी भी दुबई में नहीं है, एक नंबर पे है, एक नंबर पे, ठीक है। और एक नंबर पे होने का फ़ायदा भी बहुत कुछ होता है, तो वो तो आपको जो लगने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे मालूम नहीं होगा, ठीक है।